नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरह से जो है अगर कश्मीर की बात करते हैं तो एक बार फिर जो है आतंकियों ने दो बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है और उन पर हमला किया जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूर जो है ये कन्नौज के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश कन्नौज के ये दोनों रहने वाले थे और शोपियां में मारे गए। इन श्रमिकों की हत्या पर कन्नौज में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। कन्नौज के ग्राम धनापुर के रहने वाले ये दोनों थे, दोनों के पार्थिव शरीर घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं परिजन उनके जो हैं। और शोपियां में सोए हुए श्रमिकों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से यह हमला किया था जिसके बाद इन दोनों की जो है इसमें मौत हो गई। कुछ दिन पहले की भी अगर बात करें तो इसी तरह से एक जो है कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने इसी तरह से हमला किया था जिसमें जो है उस कश्मीरी पंडित की भी मौत हुई थी और उसके बाद कल देर शाम को जो है ये इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। अगर बात करते हैं कश्मीर के शोपियां इलाके की तो यहाँ पर दो जो है बाहरी मजदूर थे जो कि अपने ही जो है घर में वहाँ एक टीन के शेड में जो है ये सोए हुए थे और उस वक्त जो है आतंकियों ने इन पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही बाहरी मजदूर जो है ये वहाँ पर जो है यूपी के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज शोपियां के दौरे पर आने वाले थे और उससे पहले ही आतंकियों ने इस वारदात को जो है यहाँ पर अंजाम दिया है। और अब इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके की अगर बात करते हैं जहां के ये रहने वाले थे ये दोनों ही मजदूर और यहां पर जो है काम करने के लिए ये जम्मू कश्मीर आए हुए थे और इस वक्त तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जो सामने आ रही हैं। पूरे अगर उस इलाके की बात करते हैं तो मातम जो है वो वहां पर पसरा हुआ है और दोनों की जो है मजदूरों के पार्थिव शरीर जो है वो जो है उस इलाके में जो है कब पहुंचते हैं उसका इंतजार परिजन भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है वो इस वक्त वहां पर शोक की लहर में डूबा हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं कश्मीर की तो यहां पर भी जिस तरह का ये माहौल जो है देखने को मिला उसके बाद सुबह सवेरे भी सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया गया क्योंकि दो आतंकियों के वहां पर भी छिपे होने की खबर जो है वो जो है सामने आ रही थी। लेकिन इसी के साथ जहां बार बार जो भी नॉन लोकल्स हैं या फिर अगर कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो उन्हें कश्मीर में जो है आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिले और सरकार से जो है यही कहा जा रहा है कि आखिर यहाँ पर कब जो है इनकी सेफ्टी का जो ध्यान है वो रखा जाएगा, कब जो बाहर के जो लोग हैं या जो नॉन कश्मीरी हैं वो आखिर कब जम्मू कश्मीर में खुद को जो है यहाँ पर सुरक्षित जो है वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से इस वारदात को आतंकियों ने ये अंजाम दिया है, कायराना हरकत जो ये की है आतंकियों ने, इसमें दो मजदूरों की हत्या जो है वो हुई है। और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज दौरा जो है ये शोपियां में रहने वाला था और उससे पहले जिस तरह से इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं डर जो है यहां पर फैलाने की कोशिश है, दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश जो है वो यहां पर हो रही है। लेकिन पूरे देश भर की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से जो लोग यहां पर आकर जो है काम करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय जो है वो यहां पर बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके की बात करें जहां से ये दोनों ही मजदूर जो है ये रहने वाले थे वहां पर जो है इस वक्त किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता जगदीश इस वक्त जो है कन्नौज से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जगदीश हमें बताइएगा कि जिस तरह से एक बहुत ही दुखद घटना जो है ये पेश आई है, दो श्रमिक जो कि जम्मू कश्मीर में जो है काम करने के लिए आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हें जो है आतंकियों ने निशाना बनाया है, परिवार में इस वक्त जो है मातम का माहौल है, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर सर मजदूर दोनों लोग थे, ये एक तो परिवार ऐसा है जिनके तीन बच्चे हैं, पांच भाई हैं, मतलब झोपड़ी रखी हुई है, कोई मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं इनके पास है। और यहाँ ये बेहद गरीब हैं, ये ऐसे मजदूरी वहां करने गए थे, सेब के काम करने के लिए वहां जो आतंकी हमला हुआ जिसमें वो मारे गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल झोपड़ी में रहते हैं, ना तो इनके पास खाने को है, मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। और यहाँ देखने वाली बात ये होगी, काफी परिवार आगे परिवार कौन पालेगा, कैसे गुजारा बसर होगा, पूरा परिवार बड़ा गमहीन है। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, लेकिन परिवार का आखिर क्या कुछ कहना है? परिवार का ये कहना कि हमारा किस तरीके से आगे परिवार चलेगा और हम आगे हमारा कमाने वाले जो खत्म हो गए हैं, आगे की हम कोई खेती है नहीं, सिर्फ मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, और जिस तरह से गरीब परिवार है आप जानकारी दे रहे हैं, और जो है अपना परिवार को जो है वहां पर पालने के लिए ही यहां पर मजदूरी के लिए जो है ये दोनों ही जो श्रमिक हैं वो यहां पर आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से अब आतंकियों का शिकार हुए हैं वहां पर भी लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। और क्या कुछ कहना है कि क्या एक बार फिर जहां जम्मू कश्मीर की एक चेहरा जो बाहर जाता था कि डर का माहौल है, आतंकवाद से ग्रसित जो है ये इलाका है, क्या एक बार फिर ऐसा ही एक मैसेज गया है? परिजनों का कहना ये है कि बात मुसलमान ठेकेदार है, मुसलमान सभी लोग, लेकिन यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के तो ये मारे गए हैं आतंकी हमले में, ऐसा एक सवाल उठता है कि हिंदू ही मारे गए हैं इसमें, कुछ ना कुछ मतलब आगे के परिवार की स्थिति है। परिवार तो बिल्कुल एक झोपड़ी में रहता है जहाँ पर न खाने के लिए है, न खेती है, न कुछ है, बड़ी स्थिति खराब है यहाँ की। जी जी, चलिए जगदीश बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो बिल्कुल परिवार जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं दुखी है, और यही कहा जा रहा है कि क्योंकि घर परिवार को पालने के लिए ही अपने जो है घर से इतनी दूर जाकर जो है ये काम करने के लिए गए हुए थे, और उसके बाद जो उनके हाथ आखिर क्या लगा है, परिवार जो है आखिर अब वो किसके भरोसे रहेगा। और जम्मू कश्मीर में जहां बार बार इस तरह की घटनाएं जो हैं जो यहां पर देखने को मिल रही हैं, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये भी बड़ा सवाल जो है यहां पर बना हुआ है। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अब जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ में आपको बताएं कि जिस तरह से कल देर शाम को जो है वहां पर सांसद जो है सिमरनजीत सिंह मान जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें जो है रोक दिया गया, लखनपुर जो है उन्हें क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी गई। और इसी के साथ जो है आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ जो है वो भी जम्मू कश्मीर में दाखिल होने पर उन्होंने जो है वहां पर उस वक्त उन्हें कहा कि पाबंदी लगाई गई है, कानून व्यवस्था में खलल पड़ने का हवाला जो है उस वक्त सिमरनजीत सिंह मान को दिया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब सीमा पर अभी भी जो है मान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके जो भी वहां पर समर्थक हैं वो भी जो है उस वक्त देर रात को वहां पर पहुंचे जब ये उन्हें जो है 144 का जो ऑर्डर देकर जो है उन्हें ये रोक दिया गया, और उन्हें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा के जो है मद्देनजर उन्हें वहां पर नहीं जाने की इजाजत है। लेकिन उसके बाद जो है सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने सवाल भी उठाए, उनके जो समर्थक उस वक्त वहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने भी काफी सारे सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्हें वहां पर उन्हें जो है जम्मू कश्मीर में आने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। और वो प्रदर्शन जो है वो धरना जो है वो अभी भी वहां पर जो है देखने को मिल रहा है, अभी भी सांसद सिमरनजीत सिंह मान जो है वो अपने समर्थकों के साथ जो है वहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब वो कानून का सहारा जो है लेंगे, जो भी कानून फैसला लेगा, जो भी कोर्ट फैसला लेगा, उसके बाद ही वो अपने इस धरने को जो है खत्म करेंगे। क्योंकि जो है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी जो है इस वक्त वहां पर लगाई गई है, और कारण जब उन्होंने पूछा है कि आखिर उन्हें जम्मू कश्मीर में विजिट करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो भी जो है भारत के सिटीजन है और जो है देश के किसी भी कोने में जाने का उनका अधिकार है, इस तरह से भी जब उन्होंने सवाल उठाए हैं तो उन्हें ये कहा गया कि सुरक्षा जो के लिए जो है उन्हें ये चीज़ के लिए जो है वहाँ पर जो एंट्री करने के लिए जो है रोका जा रहा है, सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें ये रोकने की लिए जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। और उसके बाद जो उनके समर्थक थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिला, पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हाथापाई जो है वो भी हुई, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि आखिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है, ये सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ तस्वीरें आप सुबह सवेरे की भी देख रहे हैं, कल जो है शाम से ही ये धरना जो है ये अभी भी वहां पर जो है देखने को मिल रहा है, और अभी भी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं सांसद सिमरनजीत सिंह मान और उनके जो समर्थक थे, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि उनका अभी भी इंतजार है कोर्ट आखिर जो है क्या कुछ फैसला देता है, उनके जो वकील है वो जो है इस बात पर जो है पूरी तरह से संज्ञान लेंगे, और उसके बाद क्या कुछ फैसला जो है वो सामने आता है उसके बाद ही वो अपना ये धरना जो है ये खत्म करेंगे। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने ये भी कहा कि जब ये यहाँ पर पहुंचे हैं उसके बाद यहाँ पर जो है ये रोक लगाई गई है, आखिर क्या कुछ ये मंशा है, इस पर सवाल जो है ये लगातार उठ रहे हैं। लेकिन चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सरबजीत हमें बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी अब सामने आ रही है, जहां कल शाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि लखनपुर की अगर बात करें वहां पर सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जो है रोका गया है, जम्मू कश्मीर में उन्हें एंटर जो है नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद अभी सुबह सवेरे तक भी उनका ये जो धरना है उनके समर्थकों के साथ ही अभी भी जारी है।
जी बिल्कुल चेतना, ये तस्वीरें आप मेरे साथ साफ तौर पर देख सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर की तस्वीरें हैं, और जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, उनको यहाँ पर रोका गया है। जम्मू कश्मीर का दौरा था उनका, लेकिन कल देर शाम डीएम कठुआ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं जिसके बाद उनको यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया है। करीब 17 घंटे हो चुके हैं उनको यहाँ पर रुके हुए और अभी तक उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने डीएम कठुआ के आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट किस तरह के आदेश जो है वो आगे देती है कि क्या उनको जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जाती है या उनको यहीं से वापस लौटा दिया जाता है। तस्वीरें आप मेरे साथ, मैं दिखाना चाहूंगा, ये बैरिकेटिंग जो है ये यहाँ पर की गई है। इसके अलावा इस ओर की तस्वीरें अगर सहयोगी दिखा पाए तो सिमरनजीत सिंह मान जी की गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है काफिला चौक पर, देर शाम जो है उनका रोका गया था। पुलिस की तैनाती यहाँ पर की है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं और पूरी बैरिकेटिंग कर उनकी काफिले को यहाँ पर रोका गया है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि डीएम कठुआ के जिस आदेश हैं आप लोग जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर अड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जाने को उनको कार्यक्रम जो है पहले से ही तय है, संगत उनका इंतजार वहां पर कर रही है, तो उनको वहां पर जाने दिया जाए। लेकिन अभी भी प्रशासन की ओर से दो टू कहा गया है कि आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। देर रात डीसी कठुआ एसएसपी कठुआ खुद यहां पर पहुंचे हुए थे, बातचीत करने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया, आदेशों का हवाला दिया गया कि आप वापिस चले जाएं यहां से, आपके यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, सुरक्षा का हवाला दिया गया। लेकिन जो समर्थक हैं और सिमरनजीत सिंह मान खुद जो सांसद हैं वो अड़े हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में वो लोग जाएंगे, और वो अब जो डीएम कठुआ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं 144 के तहत जो ऑर्डर जो दिया गया है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन सरबजीत, यहाँ पर ये भी बात है कि जहाँ बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा के कारणों की वजह से जो है उन्हें रोका गया है, आखिर किस तरह से सुरक्षा पर सवाल उठ सकता था अगर जो है यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान जो है अगर ये जम्मू कश्मीर में जाते तो? जी बिल्कुल चेतना, इसमें बड़ी बात ये सामने आई है कि एडीएम जम्मू की ओर से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें ये जो कम्युनिकेशन जो है सांसद सिमरनजीत सिंह मान के कार्यालय से ये हुई है कि सिमरनजीत सिंह मान जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है वो उनको प्रदान की जाए। वहीं दूसरी ओर जो है डीएम कठुआ का ऑर्डर आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से और उनके आने से यहाँ पर अशांति फैल सकती है, इस तरह के कारण यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये बताया गया है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो सिमरनजीत सिंह मान का इसी पर यही तथ्य है, इसी आधार पर वो कोर्ट में चैलेंज करने गए हैं कि एक और एडीएम जम्मू का ऑर्डर है वो जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, दूसरी ओर ये ऑर्डर क्या किया गया डीएम कठुआ की ओर से कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते हैं, तो इसी ऑर्डर को यहां पर चैलेंज किया गया है। और जिस तरह से देर रात यहां पर एसएसपी कठुआ डीसी कठुआ यहां पर पहुंचे हुए थे, सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया है कि सुरक्षा कारणों से इस तरह के इनपुट उनको हैं कि आप लोग जम्मू कश्मीर में जो है उनको खतरा है, ऐसे वो जम्मू कश्मीर में ना आए, अपना प्रोग्राम जो है वो रीशेड्यूल कर लें, पोस्टपोन कर लें। लेकिन समर्थक जो है अभी तक यहां पर अड़े हुए हैं, इस ओर की तस्वीरें से होगी एक बार फिर से अगर दिखा पाएगा तो ये काफिला जो है यहां पर रुका हुआ है, ये जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और यहां पर इस तरह से जो टेंट है वो भी लगा दिया गया है और यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान जो है वो अपने समर्थकों सहित यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी चलिए सरबजीत, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये सुबह सवेरे की तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि वहां पर अगर लखनपुर की बात करते हैं तो किस तरह की स्थिति जो है इस वक्त वहां पर बनी हुई है, और जहां सांसद सिमरनजीत सिंह मान की बात करते हैं और उनके समर्थक जो है वो उनके साथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और क्या कुछ फैसला जो है वो अब कोर्ट की तरफ से भी सामने आता है उसका इंतजार जो है वो यहां पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और बात करते हैं जम्मू की, तो आपको बताएं जम्मू में ऑयल टैंकर यूनियन जो है वो अब धरने पर बैठ चुका है, और क्या कुछ कारण है इस धरने को लेकर, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुविधाएं जो है उन्हें नहीं दी जा रही हैं, सुविधाओं का अभाव है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिसे लेकर ऑयल टैंकर यूनियन जो है वो यहां पर जो है धरना कर रहा है। और इसी के साथ ये भी उनका कहना है कि घाटी से वापस लौटते हुए उन्हें जो है बेवजह वहां पर रोका जाता है रास्ते में, और इसी वजह से ये गुस्सा जो है उनका देखने
को मिल रहा है और अब ये गुस्सा जो है सातवें आसमान पर जो है जा पहुंचा है और इसी को लेकर अब ऑयल टैंकर यूनियन जो है ये धरना करता हुआ नजर आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें यानी कि जम्मू श्रीनगर हाईवे की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाती हैं, उन्हें वहाँ पर सुविधाएँ जो है वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। ये आरोप जो है ये लगातार लगाया जा रहा है और ये भी एक सवाल है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो बड़े बड़े ट्रक हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी जो है काम आते हैं बहुत जो है लाखों का माल जो है इसमें कहीं ना कहीं लोड किया जाता है उसे जो है रास्तों में रोक दिया जाता है। और अब ये जो लोग हैं ये अब जो है सड़कों पर उतर आए हैं और धरना यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। और जो भी ये लोग हैं ये जो घाटी से इस वक्त जो है वापस लौट रहे थे, घाटी से वापस लौटते हुए इन्हें रास्ते में रोका गया है और इनका ये कहना है कि अब इन्हें जो है बिना किसी कारण के वहाँ पर रोका जाता है, बेवजह इन्हें वहाँ पर रोका जाता है जिस कारण ये अब गुस्से में आ चुके हैं और इसी के मद्देनज़र ये जो यहाँ पर धरना है ये दिया जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है ये किया जा रहा है। और इसी को लेकर अब ऑयल टैंकर यूनियन का जो है और क्या कुछ कहना है क्योंकि जहाँ फैसिलिटीज़ की बात करी तो इससे पहले भी जो जब भी किसी गाड़ी को जो है यहाँ पर रोका जाता है काफ़ी लंबा वक्त जो है कभी इन्हें हो जाता है और जहाँ पर भी इन्हें रोका जाता है वहाँ पर कोई फैसिलिटी जो है नहीं होती है, यहाँ तक कि इन्हें खाने और पीने की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो उस वक्त वहाँ पर पेश आती है। लेकिन अब ये किस और जो है सुविधाओं की बात कर रहे हैं, किस तरह से जो है क्योंकि ये भी कारण इन्होंने कहा है कि एक इनका धरना करने का एक और कारण है कि ये बेवजह ही वहाँ पर जो है रोक दिया जाता है और हफ्तों तक कई बार तो जो है कई दिनों तक इन्हें वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है कि आखिर इनकी गाड़ियों को मूव करने की इजाज़त जो है वो आखिर कब दी जाएगी। लेकिन आज ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो है ये सामने आ रही हैं, इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। रितिका हमें बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी है, ऑयल टैंकर यूनियन जहां धरने पर बैठा है कई सारे आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें बेवजह ही जो है इनकी गाड़ियों को यहां पर रोक दिया जाता है जिसकी वजह से इन्हें परेशानी भी होती है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने वाले टैंकर के जो ड्राइवर्स हैं और साथ ही साथ जो कंडक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन जो है वो आज जम्मू में देखने को मिला है। वजह बताई जा रही है कि इन्हें बेवजह बनिहाल में ना ही पार्किंग दी जा रही है और ट्रकों के बीच में इन्हें रोका जाता है और जो जाम लगता है वो जाम कई कई दिन का लंबा जाम लगता है और जिसके चलते इनके काम पे असर पड़ रहा है और इनकी जो मेहनत की जाती है वो कहीं ना कहीं उसी जाम में बेवजह रुकने की वजह से वेस्ट हो जाती है और जिसका सीधा असर इन पे पड़ रहा है क्योंकि इनका कहना है दिसंबर के बाद बर्फ पड़ जाएगी और इनके काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और इसी के चलते ये चाहते हैं कि पार्किंग दी जाए, इनके मुद्दे सुलझाए जाए। बिल्कुल रितिका, और ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां पर इन्हें रोका जाता है कई दिनों तक इन्हें रोक दिया जाता है और वहां पर सुविधाएं नहीं होती हैं इन्हें अगर वहां पर स्टे करना पड़े। जी बिल्कुल, इस बात का जवाब ये लोग खुद ही दे सकते हैं क्योंकि इनके एक्स प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो भी टैंकर या फिर ट्रक रास्ते में रोके जाते हैं क्या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा वहां दी जाती है, पानी की, वॉशरूम की, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दिन रात रुकना है, उनमें कोई सुविधा क्या वहां पे मुहैया करवाई जाती है ताकि दिक्कत ना आए? मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे जो वॉशरूम की या पानी की जो उनकी सहूलियत है वो वहां पे उनको बिल्कुल नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्प्रोमाइज करते थे, सरकार का काम चलाते थे। इस दफा तो इन्होंने हाथ पार कर ली, जो लोअर मुंडा में गाड़ियां पार्किंग खड़ी थी उनसे आगे ट्रक छोड़े और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जोहर टंडल से छोड़ेंगे और जोहर टंडल से भी फिर इन्होंने ट्रक छोड़े और वो उनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से जामिंग हो गई, फिर उनको वापस भेजा और जो हमारे टैंकर थे उनको बेल्ट फोर्स ने मजबूर होकर जो रास्ते में होते हैं बेल्ट फोर्स वाले उन्होंने उनके डंडे मारी, लाठी मारी, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर और कंडक्टर परेशान हो गए और ये हालत पहुंच गई कि वो वहां पे ही विड्रा हो गए। लोअर मुंडा में ड्राइवर कंडक्टर विड्रा होने की वजह से जो हमारे टमाटर मोड़ में गाड़ियां खड़ी थी वो भी विड्रा हो गए और जो हमारे तीन डिपो श्रीनगर और तीन डिपो जम्मू ये तीनों विड्रा हो गए, एचपीसी, आईओसी, बीपीसी ये सब विड्रा हो गए। और मेन इश्यू है हमारा ये जो लोअर मुंडा में हमारे टैंकर है वहां पे कंसर्न डीसी, एसएसपी ट्रैफिक और आईजी ट्रैफिक वहां पे आ जाए, उन ड्राइवरों को बनाल में दिखा दे ये आपकी पार्किंग है,
और आपको ये पार्किंग मिलेगी, जब गाड़ी छोड़ेंगे आपको पहले छोड़ दिया जाएगा, बस इतना। जैसे कि आपने सुना इन्हें तमाम जो दिक्कत आ रही है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम और साथ ही साथ इंडियन पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की तमाम जो सर्विसेज दी जाती है वो अफेक्ट हो रही है, और जिसके चलते समाधान चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रकों के बीच में लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं उसकी वजह से काम पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए रितिका बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये समस्या जो है इनकी साफ तौर पर नजर आ रही है, और इनका जो है यही कहना है कि जहां इतने दिनों तक इन्हें यहां पर जो है बिना किसी कारण के रोक दिया जाता है और उसके बावजूद भी इन्हें यहां पर कोई सुविधा जो है वो नहीं दी जाती, काफी ज्यादा परेशानी इन्हें होती है और कई नुकसान जो है इन्हें काम को लेकर भी यहां पर जो है झेलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं जिला सांबा की ओर। आपको बताएं कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान के खिलाफ अविश्वास पत्र जारी किया गया है। 17 में से 9 सभासद प्रधान के खिलाफ लामबंद हुए हैं। सभासदों ने काउंसिल के सीईओ को ये अविश्वास पत्र जो है ये सौंपा है और इसी पर प्रधान पर विकास कार्यों के प्रति संजीदगी ना दिखाने का आरोप जो है ये भी लगाया जा रहा है। यानी कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की अगर बात करते हैं तो उनके प्रधान पर अब कहीं ना कहीं ये जो परेशानी जो है ये देखने को मिल रही है और इनके खिलाफ अब अविश्वास पत्र जो है वो भी जारी कर दिया गया है। 17 में से 9 सभासद प्रधान ऐसे रहे हैं, सभासद ऐसे रहे हैं जो प्रधान के खिलाफ हुए हैं और सभासदों ने काउंसिल के सीईओ को आज ये अविश्वास पत्र जो है ये सौंप दिया है और आरोप यहाँ पर ये लगा है प्रधान पर कि जो भी विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, जो डेवलपमेंटल कार्यों की अगर बात करें जो यहाँ पर किए जाने चाहिए थे, उनके प्रति कोई भी संजीदगी जो है वो नहीं दिखाई गई और इस वजह से यहाँ पर जो एक विश्वास जो था जो है यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान के प्रति लोगों का, वो विश्वास जो है यहाँ पर खत्म हुआ है और जिस वजह से इन्हें ये कदम जो है ये उठाना पड़ा और यहाँ पर जो है उनके खिलाफ अविश्वास पत्र जो है वो जारी करना पड़ा है। और जहाँ पर तमाम इस इलाके की अगर बात करते हैं तो जो डेवलपमेंटल कार्य जो यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और जिस तरह का काम जो है यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसी को लेकर जो है ये आज यहाँ पर ये जो फैसला है ये देखने को मिला और इनके खिलाफ जो है आज यहाँ पर अविश्वास पत्र जो है वो भी जारी किया गया और सीईओ जो है काउंसिल के उनको जो है आज ये यहाँ पर ये जो लेटर है ये सौंपा गया है। और इसी के साथ सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की अगर बात करें तो इससे पहले भी कई सारी जो है परेशानियां जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिली थी और इसी के खिलाफ जो है आज ये बड़ा फैसला जो है ये लिया गया जहाँ पर ये अविश्वास पत्र जो है प्रधान के खिलाफ यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर बड़ी बात ये रही है कि 17 में से 9 सभासद जो है ऐसे रहे हैं जो प्रधान के खिलाफ हुए हैं और उसके बाद ही ये जो है फैसला लेकर ये अविश्वास पत्र जो है ये सीईओ को सौंपा गया। और यहाँ पर अगर बात करें म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान की तो जहाँ एक जिम्मेवारी जो है ये रहती है कि किस तरह से जो भी उस इलाके के जो भी कार्य हैं वो जो है सही तरीके से हो पाएं, वो सही समय पर हो पाएं और तमाम जो डेवलपमेंट है उस इलाके की वो हो पाए, लेकिन वहाँ पर जो है लोगों का भी ये कहना रहा है और जो तमाम जो बाकी जो सभासद थे उनका भी जो है ये कहना रहा कि अपने काम में जो है कहीं ना कहीं ये वो जो है संतुष्ट नहीं हो पाए हैं उनसे और जिस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने चाहिए थे, जिस तरह का डेवलपमेंटल वर्क वहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है और इसी के मद्देनजर ये फैसला जो है लिया गया। इस तरह के आरोप जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत ये अविश्वास पत्र जो है ये जारी किया गया है। क्या कुछ इसी पर ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि हमें बताइएगा म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान के खिलाफ जहां सांबा में अविश्वास पत्र जारी किया गया है, कुछ आरोप जो है वो भी इन पर लगाए गए हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है? काउंसिल जो है वो एक बार फिर से चर्चाओं में है और यहाँ प्रेजिडेंट जो काउंसिल के हैं पवन कोहली उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है और आपको बताते ये बताया जा रहा है कि साहब से खातिर जो है वो थे को लेकर ये जो कार्रवाई है उनकी तरफ से की गई है। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लेकिन कुछ पार्टी की सहमतियां बनी उसके बाद उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस लिया गया। लेकिन अब जिस समय अब मात्र एक साल बचा हुआ है म्युनिसिपल काउंसिल जो सांबा की है, एक साल के बाद इलेक्शन होनी है लेकिन उससे पहले दोबारा से ये खलबली यहाँ पर मच चुकी है।
पवन कोहली जो प्रेसिडेंट उनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उनके कामों से खुश नहीं है, जो कार्यप्रणाली उससे जो खुश नहीं है पार्षद उसी को लेकर। लेकिन जो पार्षद जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 पार्षद है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, उनसे नो कॉन्फिडेंस जो पार्षद है वो अभी हिडन है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी सामने आ सकते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है आप क्या कुछ कारण रहे? कारण यही है सर, डेवलपमेंट मेन कारण है हमारा, जो हमारे शहर की डेवलपमेंट रुकी हुई है उसके लिए हम लोग जो है काफी परेशान, क्योंकि लोगों ने हमें वोट डाले हैं और हमें जीत कर यहाँ इसीलिए भेजा है कि हम लोगों के काम कर सके। हमारे साथ नया एरिया जुड़ा है और पॉपुलेशन भी बढ़ी है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है और मैन पावर हमारे पास कम है। हमारा मेन मकसद यही था कि शहर की डेवलपमेंट करने के लिए हम काम करें, लेकिन चेयरमैन साहब की सुस्ती और इनका काम करने काम में तो दिलचस्पी नहीं होना, इसी के कारण हमने एक साल डेढ़ साल पहले इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन डाला था। फिर इन्होंने कहा था कि मैं चलो अपने आप को सुधेरूंगा और सांबा शहर के लिए काम करूंगा, तो चलो हमने भी बोला कि ठीक है एक मौका और इनको देते हैं, हमने दोबारा इनको मौका दे दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने काम नहीं किया। चाहता हूँ ना कि जो पार्षद अभी अगेंस्ट आए हैं, जिनमें नो पार्षद आप कह रहे हैं कि जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाया है, तो उनमें से कुछ नेता कुछ पार्षद भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट समय भाजपा के हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टी का प्रेशर दोबारा से आएगा जो अगेंस्ट है पार्षद जो खेमे से है दोबारा से? देखो पहले हमने देखना शहर, पार्टी पॉलिटिक्स जो है देखने को बाद में चाहिए थी, ठीक है ना, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, शहर की डेवलपमेंट की बात है। पिछली बार भी इसी तरह कुछ हुआ था ना? नहीं, अगर भाजपा अगर चाहती है कि कोई ऐसा आदमी जो डेवलपमेंट नहीं करा सकता उसको बिठा के रखना है, तो हम आज वापस ले लेते हैं रेजोल्यूशन। अगर उनको शहर की चिंता नहीं है तो वो क्लियर करें इस बात को कि हमें शहर की चिंता नहीं है, हमें कुर्सी चाहिए तो कुर्सी दे देते हैं हम, हमें कोई रेजोल्यूशन डालने की नहीं है। अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट चाहिए तो चेंज जरूरी है। साल का वक्त हो गया, बातें निकली, बातों को वापस लिया गया, एक साल बाकी में आज आप मान रहे हैं कि शहर की जो व्यवस्था चरमराई हुई है आपको चाहिए? सर हमने बोला इनके खिलाफ मिशन डाला था हमने, मिशन डाला था उसको वापस ले लिया हमने, जब इन्होंने माना कि हम डेवलपमेंट करवाएंगे सांबा में सुधार, लेकिन आया क्या? हमने साल डेढ़ साल देखा सुधार थोड़ी आया है, ये एक रास्ता था कि बस एक साल रह गया है, साल में कम से कम कोई नवी चेंजिंग लाके नया हम जहाँ बैठा के कोई ऐसा काम करें। अब आपको बता दूं इसके लिए ये कदम उठाया गया है जिसमें नौ पार्षद अगेंस्ट हुए हैं और अब देखना है कि आगे जो भाजपा से कुछ ताल्लुक रखते हैं वो भी एक तरफ अगर देखें तो ऐसा हो सकता है कि का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ राजनीति भी जो वो काफी चरम पर देखी जा सकती है। अब देखना है कि अगर शहर के विकास की बात करनी है तो फिर ये जो कदम उठाया गया है ये आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, जो ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने काम नहीं किए, लेकिन अब अगर पार्टी की बात आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्षद अगेंस्ट है जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो पार्षद पीछे हट सकते हैं। लेकिन अभी ये पहली स्टेज है, अब फ्लोर टेस्ट भी होगा, तो क्या कुछ चीजें रहेंगी आने वाले दिनों में ये देखना होगा। लेकिन ये अभी की बड़ी जानकारी है कि यहाँ सांबा म्युनिसिपल काउंसिल एक बार फिर से सुर्खियों में है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो लाया गया है प्रेसिडेंट के खिलाफ जो एट प्रेजेंट है पवन कोहली। जी बिल्कुल, चलिए ऋषि बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जिला सांबा की अगर बात करें तो जिला सांबा में म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान के खिलाफ अविश्वास पत्र जारी कर दिया गया है और इसके लेकर अब आने वाले समय में और क्या कुछ फैसला जो है सामने आता है, क्या कुछ चीजें जो है वो देखने को मिलती है, ये जरूर देखना होगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।